अरे देखो बेटा, हमारा चश्मा नहीं मिल रहा है, कहीं देखा है क्या? खोपड़िया पे सजाए हुए हैं ताज की तरह, पाय लगी ढल चला गया। अरे बजरंगी बेटा। बजरंगी चाचू नमस्ते। अरे नमस्ते बेटा, खुश रहो खुश रहो। अरे भौजी भौजी, क्या बात है भौजी, आप तो दिन ब दिन बहुत खूबसूरत होते जा रहे हैं। शर्म नहीं आती क्या पापा जी के सामने छेड़ते हुए? अरे तो पापा जी के सामने देवर भाभी जी को नहीं छेड़ेगा तो चाचा जी को छेड़ेगा? हल चला गया। वही तो। अरे बोलो ना क्या बात है। पापा जी, गांव में जो हमारा खेत है ना, मतलब हमारी जो जमीन है, उसके पास से हाईवे निकल रहा है। अरे भग्गू बेटा, निकलने दो ना। कौन सा तुम्हें वहाँ मजदूरी करने के लिए बुला रहे हैं? आप समझ नहीं रहे हैं, हाईवे की वजह से उसकी कीमत 20 लाख रुपए बीघा हो गई है, और हमारी 2 बीघा जमीन है ना, तो हो गया 40 लाख। बेच देते हैं। नहीं भगू बेटा, बजरंगी को और भौजी को बुरा लगेगा। अरे क्या बात कर रहे हैं आप, हमारी जमीन है तो उन्हें क्यों बुरा लगेगा? अरे बेटा समझा करो ना, बजरंगी वहाँ खेती करता है ना। खेती नहीं, कब्जा कर रहा है पापा जी। धीरे धीरे ना वो जमीन हड़प लेगा। मूर्खो जैसी बात मत किया करो भंगू। अरे तुम्हारे दादाजी के देहांत के बाद बड़े भाई साहब ने और बजरंगी ने बताया था कि वो जमीन हमारी है, नहीं तो बताते ही नहीं। पता नहीं आप लोग क्यों इतना प्यार करते हैं। चाची से खुद मिले हुए आपको 15 साल हो गए। बजरंगी साल में एक बार यहाँ आता है, यही एक बोरी चावल या गेहूं लेकर, या फिर 15-20 हजार देकर। 2 बीघा जमीन है क्या, इतना ही अनाज होता होगा? अब सब जानते हैं पापा जी, फिर भी आप लोग पता नहीं क्यों अनदेखा कर रहे हैं। मैं जो कह रहा हूँ आप वो भी तो समझिए, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, 40 लाख रुपए है। पूरी जिंदगी भी ना मैं एक बार में जमा नहीं कर पाऊंगा, और ये 40 लाख हमारे ही तो काम आएंगे। बबलू बबली की पढ़ाई है, कल को बबली की शादी होगी तो यही पैसे काम आएंगे ना। पापा जी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, बेच देते हैं ना ये जमीन। हाँ बेटा, ये बात तो मैंने सोची नहीं थी। 40 लाख की रकम बहुत बड़ी होती है बेटा। वही तो समझ ले बेटा कि तुझे 40 लाख रुपए मिल गए। थैंक यू पापा जी, बस इतना ही तो सुनना चाह रहा था मैं। लेकिन मेरे मरने के बाद। क्या है जाने इस रजिस्ट्री में कहां से आई है ये? क्या है पापा जी? बैंक हमारी जमीन को खरीदना चाहती थी। बजरंगी ने अपनी खेती के लिए 2 लाख रुपए कर्ज लिए थे, लेकिन चुका नहीं पाया, फसल खराब हो गई। बैंक उसकी जमीन की कुर्की कर लेगी। क्या? उसकी सारी जमीन जब्त कर लेगी। तुझे लगता था कि बजरंगी हमारी सारी जमीन हड़प जाएगा? देख ये बैंक का नोटिस, उसकी जमीन जब्त हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन बर्बाद होने के बाद भी उसने हमारी जमीन पर आज नहीं आने दी, जमीन के कागज तक वापस कर गया हमें। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे बजरंगी, क्या करेगा आप? चाचा जी वो 8 बीघा जमीन हब या तो बैंक। अरे सुनो, मेरे पास ना 2 लाख रुपए की एफडी है, उसे तोड़वा देते। तू पैसे ले जा, बैंक में जमा कर दे और अपनी सारी जमीन वापस ले आ। कितने एहसान करोगे हम पर? चुप, एहसान का बच्चा। अब उठाओ अपना सामान और चलो अंदर।
बेवकूफ ऐसी बात करता है। चलो बड़े आए वहां से।